एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स ट्रैवल गैली। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले रखा है पनीर 250 ग्राम और एक कप मटर। यहाँ पर हमने ले रखा है लाल मिर्ची, टमाटर एक बड़े साइज़ का, लहसुन 2-3 पत्तियाँ और प्याज मीडियम साइज़ का एक, और एक करी पत्ते ले रखे हैं 4-5 हमने। अब हम इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद पीस लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सब्जियाँ। सब्जियाँ ऐड करने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियाँ अब हमें अच्छे से मिक्स हो रही हैं। अब हमारी सब्जियाँ जो कि हम मिक्स कर रहे हैं, इनमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने से जल्दी से गल जाएंगी, और नमक डाल के अब हम इन सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी सब्जियों को कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब हमारी सब्जियां पक के रेडी हो चुकी हैं। इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार में अपनी सारी पकी हुई सब्जियां ऐड कर रहे हैं। अब हम इन सभी सब्जियों का एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से पीस के। अपना ये पेस्ट एक कटोरी में खाली के लिए है। अब हम अपने कढ़ाई में फिर से तेल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मटर और पनीर को भूनने के लिए। ये हमने अपनी मटर और पनीर अपनी कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें भून लेंगे। कंटिन्यू इन्हें चलाते हुए हमें भूनना है। अपने मटर और पनीर को लो फ्लेम पर भूनते रहना है। कंटिन्यू हम इन्हें चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता ऐड करने के बाद हम इन्हें फिर से थोड़ी देर लो फ्लेम पे और भून लेंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जियों का पेस्ट ऐड करेंगे अपना, जो हमने बना के रखा था। पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब इसमें डाला हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इन सभी मसालों को डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।